भारत सरकार ने बड़े संवेदनशील तरीके से दोनों तेलंगाना और उड़ीसा की मदद की है। उनकी पुरानी जो प्रैक्टिसेस थे उसमें जितना ज्यादा हम मदद कर सकते हैं हमने दोनों राज्यों को की है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एमओयू बड़ा स्पष्ट क्लॉज 18 में कहता है, और मैं चाहिए तो पढ़ के कह सकता हूं, इफ द स्टॉक्स ऑफ द राइस प्रोक्योर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट exceeds its allocation under TPDS and other welfare schemes, such excess stocks shall be handed over to the FCI by the state government. However, the FCI shall have the option to specify whether such excess rice that would be handed over to FCI for central pool by the state shall be in the form of raw rice or parboiled rice to meet the overall consumption requirement of the country under TPDS, OWS and type of rice milled in the state. परिस्थिति ये है, परिस्थिति ये है कि जो राज्य जिस प्रकार का चावल खाना चाहते हैं हम वही चावल दे सकते हैं, उसके अलावा तो चावल फोर्स तो नहीं कर सकते। तो उड़ीसा, तेलंगाना या जो भी राज्य जिस प्रकार का राइस खुद की कंजम्पशन के लिए वो जितना चाहे वो ले सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन जो सेंट्रल पूल में आना है वो वही राइस आ सकता है जो बाकी देश राज्य के रिक्वायरमेंट हो, उसके हिसाब से राइस एफसीआई खरीद सकता है। बड़ा सिंपल लॉजिकल चीज है कि जो स्वयं की कंजम्पशन है आप जिस प्रकार का राइस बनाना है आप बनाइए, आप जितना आपको उड़ीसा में पारबॉइल्ड राइस खाना है वो उड़ीसा में पारबॉइल्ड राइस बने, आप उसकी खपत करें, पूरा स्वागत है, उसके लिए एफसीआई आपको रीइंबर्समेंट करेगी। लेकिन आप जो सेंट्रल पूल में डालना चाहते हैं उसके लिए पर्याप्त डिमांड देश में, अगर देश में और कोई वो प्रकार का राइस नहीं खाता है तो स्वाभाविक रूप से एफसीआई ने इसीलिए एक क्लॉज रखा है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, टू मीट द ओवरऑल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री अंडर टीपीडीएस, ओडब्ल्यूएस एंड टाइप ऑफ राइस मिल्ड इन द स्टेट। तो आपकी खुद की खपत के लिए आप अवश्य जो राइस आप चाहें आप ले सकते हैं, बनाएं उसको अपने स्टेट में इस्तेमाल करें।